इलेक्शंस की वजह से देश में तो हलचल देखने को मिली है पर उससे ज्यादा उथल पुथल जुडिशरी में पैदा हो चुकी है जहां इलेक्शन की वजह से कई केसेस आए दिन कोर्ट्स में फाइल होते हैं वही एक तरफ जुडिशी पर और प्रेशर तब आ जाता है जब इसके कई एडवोकेट्स और जजेस खुद को भी पॉलिटिक्स से जोड़ लेते हैं ये मामला तब और बिगड़ जाता है जब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपनी जॉब छोड़ने के ठीक बाद पॉलिटिक्स में जुड़ जाते हैं इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल और कोई नहीं बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय है जिन्होंने खलबली मचा दी थी जब जुडिशी का हाथ छोड़कर उन्होंने पॉलिटिक्स का दामन पकड़ा था वेस्ट बंगाल के आईपीएस ऑफिसर देवाशीष धर ने भी सुर्खियां बटोर ली जब उन्होंने भी ये सेम काम किया और बीजेपी को ज्वाइन किया अब आप सोच भी रहे होंगे की हम ये सब बातें क्यूँ उठा रहे हैं तो हुआ क्या है की इस मामले ऐसी जुड़ा एक केस अब सीधे सुप्रीम कोर्ट भी आ पहुँचा है की क्या इतनी जल्दी एक गवर्नमेंट पोस्ट रिजाइन करने के बाद लोगो को पॉलिटिक्स में घुसने देना चाहिए या नहीं और कैसे देश की टॉप कोर्ट ने इस मामले से डील किया है हम आगे देखे पर बात ऐसी है कि ये पहला मामला नहीं है जब ऐसी पॉलिटिक्स और जुडिशरी के बीच फंसे लोगों पर सवाल उठे हैं एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एडवोकेट विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट जज बनाने का रिकमेंडेशन दिया था जो की बीजेपी ऐसी जुड़ी हुई है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया और एक इंटरव्यू में सी जी आई ने कहा भी है की टू वट एक्सटेंड डू यू डिसेबल अ पर्सन फ्रॉम बिकमिंग अ जज बाई दर्च्यू ऑफ दट देव एट अर्टन पॉइंट ऑफ टाइम अपियर पॉलिटिकल कॉज अब बात करते हैं उस केस की जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन जी.बी. हर्ष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है ये मांग करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट उन लोगों पर एक रोक लगाए जो तुरंत गवर्नमेंट पोस्ट छोड़कर पॉलिटिक्स में घुसते हैं और एक कोलिंग पीरियड इम्पोज करे ताकि कुछ समय के बाद ही कोई भी फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसियल पोलिटिक्स में घुस सके ये मामला जस्टिस सूर्य और संदीप मेहता की बेंच के सामने आया जो ये प्लीट देख आश्चर्य में पड़ गए पिटिशनर ने हियरिंग काफी इंटरेस्टिंग कर दी जब उन्होंने फॉर्मर सीजे रंजन गोगोई का एग्जाम्पल मेंशन कर दिया जो कि रिटायरमेंट के चार महीने बाद ही राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो गए थे यही नहीं पिटिश्नर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2012 रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करने की बात की जिन्होंने कूलिंग ऑफ पीरियड का सजेशन दिया था हालांकि इस पॉइंट आरोप जस्टिस सूर्यकांत कांत पूछने आरोप मजबूर हो गए की भला दो की सजेशन अब दो में क्यूँ उठाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले में काफी हेजिटेंट लगी कोई भी एक्शन लेने में और पिटिशनर को ऑप्शन भी दिया की क्या वे मैटर आरोप और आर्ग्यू कर ना चाहते हैं या खुद ही इस केस को विड्रॉ करेंगे इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि पिटिश्नर इस केस में प्रॉपर अथॉरिटीज के पास जाए तो सही रहेगा ये सुनकर पिटिशनर ने इस केस को विड्रॉ कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस करके खत्म किया आपको बता दें की पिटिशनर ने आर्टिकल थर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये पिटिशन फाइल की है एंड सॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसी रिकमेंडेशन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व एज वेल एज रिकमेंडेशन नंबर फिफ्टी थ्री ऑफ कमिटी ऑन सिविल सर्विस रिफॉर्म रिपोर्ट जुलाई टू थाउजेंड फोर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया With regard to imposed cooling off period to prevent civil servants, public servants from contesting elections to the legislature, parliament, or state assemblies on a political party ticket immediately after retirement or resignation from service. Plea court ko to, despite this recommendations were made two decades ago, they are not being implemented, resulting several bureaucrats, judges obtain voluntary retirement from the public service and choose to contest elections immediately by joining a political party without a cooling off period that the officials' public servants

ऑल्सो बी सीन टू बी डन और ये कोर्ट जजेस इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी अप्लाई होता है तो जहाँ भले पॉलिटिक्स को लेकर गवर्नमेंट ऑफिसियस पर अभी तक कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वही आपको बता दे कि की जजेस केस में ऐसा नहीं है अ जज ऑफ अम कोर्ट आफ्टर सीजिंग टू होल्ड ऑफिस कैनोट अपियर एज अ लॉयर बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी इन इंडिया अ जज ऑफ अर्ट हैर रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट फॉर अपियरेंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी है की यहाँ फेवरेटिज्म ना हो और और ऐसा ना हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग सच पोजिशन टूअर्ड द गवर्नमेंट इन पावर विद एन इंटेंट ऑफ सिक्योरिंग एनी पोस्ट लोगों का मानना है की शायद गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस टर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए जो थोड़ी और क्लैरिटी लोगो में ला सकेगी इस बारे में कहते हुए एक फॉर्मर आई एस ऑफिसर रंग रंजन आर ने एक आर्टिकल में लिखा है गवर्नमेंट विल बी बेटर दिस विल इंसिल कॉन्फिडेंस इन दब्लिक ने भी कहा की sure बात ऐसी की इस केस में मेन मुश्किलें यहाँ शुरू हो जाती है जब लोगो के मन में शक बैठ जाता है की जिन लोगों का न्याय दिलवाने और देने का काम है वे कैसे ही आम जन जनता की मदद करेंगे जब वे खुद भी इस पॉलिटिक्स की लड़ाई में शामिल हैं, तो अब देखते हैं कि जब ये क्वेश्चंस एक बार वापस से उठ रहे हैं तो क्या जल्दी से इस मामले में कोई फैसला लिया जा सकता है या नहीं the in, uh, Court, in the education sector of this government are now languishing in jail under trial my job in this uh, duty in this um, in this very respect respectable duty of a judge my job is over this is the um, uh, call of my conscience i have thought that the only th the political field can give the persons who wants